खांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश, परसों काल भैरव जयंती है, ठीक है? तो काल भैरव जयंती पर चार मंत्रों की साधना आप कर सकते हैं, जिसमें एक मंत्र काल भैरव महाराज का है और तीन मंत्र बटुक भैरव महाराज का है। बटुक भैरव महाराज में, जो बटुक भैरव महाराज ने ब्रह्मा जी का संहार किया था, उनका एक मंत्र है, और एक मंत्र जो आपाद राक्षस का, जो इन्होंने वध किया था, उसका मंत्र है, ठीक है? तो जो तांत्रिक विधान से करेंगे पूजा, उनके लिए तो बहुत विशेष नियम नहीं है, सामग्री का लिस्ट उनका थोड़ा लंबा होगा। और जो सात्विक विधान से करेंगे, वो सुबह से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक भोजन नहीं करेंगे, ठीक है? जल प्राप्त कर सकते हैं आप, चाय पी सकते हैं, किसी चीज का रस पी सकते हैं, परंतु आप भोजन नहीं करेंगे। और जो तांत्रिक विधान से पूजा करेंगे, अघोर विधान से पूजा करेंगे, उनके लिए कोई असुविधा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब भोजन, पानी, मदिरा सब हो सकता है उनका। जो भी भैरव जी को प्रिय भोजन है, वो सब आप कर सकते हैं। जो निषेध है हिंदू और सनातन धर्म में, वो भोजन आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या आवश्यकता होगी? 9 बजे रात्रि से आप पूजा शुरू करेंगे, 12 बजे तक। जो तांत्रिक पूजा करेंगे, वो 12 बजे रात्रि से शुरू करेंगे, 3 बजे सुबह तक पूजा करेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले एक यंत्र बनाना है, एक त्रिकोण यंत्र आपको बनाना है, ठीक है? और उसमें जो लिखने के लिए जो आप स्याही का प्रयोग करेंगे, उसका विशेष एक मिश्रण होता है, बराबर मात्रा में आप लोगों को श्वेत चंदन, रक्त चंदन दोनों को पीस कर, केसर, कस्तूरी, कस्तूरी क्योंकि मिलता नहीं है, इलीगल है, तो कस्तूरी का इत्र थोड़ा सा आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, फिर गोपी चंदन, सिंदूर, काजल, कुमकुम और गुलाब की पंखुड़ियां, इन सबको मिला करके आप एक पेस्ट बना लेंगे और इससे एक यंत्र बनाएंगे। यंत्र कैसे बनाएंगे? भोजपत्र पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज, जिसका मुख आपके मुख के तरफ होगा, ठीक है? मतलब आपके तरफ उसका दो कोना रहेगा और सामने की तरफ एक कोना रहेगा, ठीक है? और फिर उसमें मंत्र लिखेंगे ह्रिम, ठीक है? और इसका ही पूजा करेंगे। हम लोग साधना किस किस मंत्र का करेंगे? हम लोग साधना करेंगे, सुनिएगा मंत्रों को। ओम ह्रिम बम बटुकाय, कुरु कुरु बटकाय ह्रिम। ओम ह्रिम बम बटुकाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रिम। ओम ह्रिम बम बटुकाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रिम। एक मंत्र हम करेंगे आपादुद्वारणाय भैरव का, जिसके जिसकी कथा मैंने आपको बताया है कि आपात करके एक राक्षस था, जिसका वध करने के लिए सभी देवताओं के शरीर से बटुक भैरव पैदा लिए थे, उसको कहते हैं आपात उद्धारणाय भैरव। उनका जो मंत्र करेंगे, ओम ह्रिम बटुकाय छयोम छयोम आपाद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रिम बटुकाय स्वाहा। क्या? ओम ह्रिम बटुकाय छयोम छयोम आपादु उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रिम बटुकाय स्वाहा। ओम ह्रिम बटुकाय छयाम छयाम आपादुद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रिम बटुकाय स्वाहा। और जो काल भैरव की साधना करेंगे, वो करेंगे ओम हम सम नम यम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम यम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। देखो, पहला जो शम है वो शम है और दूसरा सम है। ओम हम सम नम यम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ठीक है? तो ये मंत्र रहेंगे। जो
बटुक भैरव का जाप करेंगे, ठीक है। वो नवेद में मीठा खीर गुड़ का बना हुआ वो अर्पण करेंगे, साथ में उसी खीर के ऊपर एक लाल फल रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, गूगल का धूप करेंगे। जो काल भैरव का जाप करेंगे, तांत्रिक विधान से करेंगे, वो अपने बाएं हाथ की ओर उस त्रिभुज के ऊपर एक कटोरा रखेंगे, चांदी का कटोरा रखे तो सर्वोत्तम, उसमें दही और बड़ा, इसका काले उड़द का बड़ा, ठीक है, एक मछली छोटी और कारण भोग देंगे। अपने दाई हाथ पर दूसरा कटोरा रखेंगे, उसमें दही बड़ा देंगे, और सबसे ऊपर, सबसे सामने जो है एक दही का जो है हम भोग देंगे, और उसके ऊपर में जो यंत्र है उसके बीचों बीच जहां पे हमने बीज मंत्र लिखा है उस पर एक दीपक डालेंगे, और उस दीपक में तीन जो हम तेल डालते हैं, सरसों का, चमेली का और तिल का, इसमें चमेली का तेल कम मिलाइएगा वरना आग लगता है, तो इन तीनों को मिला करके जो है उसके बीच में रख के उसके बाद जाप करना है, ठीक है। गिनती करके हम जाप नहीं करेंगे, ऐसे इन सब मंत्रों का क्या है कि इनको गिनती में 21,000 एक रात्रि में जाप करते हैं, लेकिन क्योंकि भैरव महाराज की रात्रि है तो गिनती नहीं करेंगे, जितना सक्षम होंगे जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, और उसके बाद जो है दिन के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि अगर थोड़ा विधान से आप पूजा करें तो ज्यादा लाभ होगा, तो जब जाप शुरू करेंगे तो हाथ को साफ कर लेंगे, ओम रक्ष रक्ष पवित्र जो भूमि बोल करके खुद पे और चारों ओर जो है जल छीट लेंगे और ऋषियादि न्यास कर लेंगे। कैसे होगा? बृहद्दारण्यक ऋषये नमः, शिरसि सिर का स्पर्श, त्रिष्टुप चंदन से नमः, मुखे मुख का स्पर्श, श्री बटुक भैरव देवताये नमः, हृदयाये हृदय का स्पर्श, रिम बिजाय नमः, गुह्ये जो टेल बोन है उसका स्पर्श, स्वाहा शक्तये नमः, पादयो दोनों पैर का स्पर्श, भैरव कीलकाये नमः, नाभौ नाभि का स्पर्श, विनयोग नमः, सर से लेकर के पैर तक 8 बार स्पर्श करेंगे, ठीक है। इसके बाद कर हृदय रस, ओम राम वाम, अंगूठे का स्पर्श करेंगे और हृदय का स्पर्श करेंगे, ओम ह्रीम विम तो तर्जनी का स्पर्श करेंगे, सिर का स्पर्श करेंगे, ओम ह्रुम वम मध्यमा का स्पर्श करेंगे और शिखा का स्पर्श करेंगे, ओम रैम वैम अनामिका का स्पर्श करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को छुएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को छुएंगे, ओम ह्रौम वम कनिष्ठकाभ्याम नमः, कनिष्ठ का सबसे छोटी उंगली को छुएंगे और मिडिल फिंगर से थर्ड आई को और दोनों अगल बगल की उंगलियों से दोनों नेत्रों को छुएंगे, ओम ह्रह वम करतल कर्पिष्टाभ्याम, ठीक है। तो जो राइट हाथ है आपका उसका तर्जनी और मध्यमा को बाहर निकालेंगे, बाकी उंगलियों को बंद कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड का जो हथेली है उसके चारों ओर 3 बार घुमा करके 3 बार ताली बजाएंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अस्त्राय फट और दोनों हाथों को एक दूसरे से स्पर्श कर लेंगे। ये करने से टेक्निकली जो है जाप जो है शुरू हो जाता है, आप सिक्योर हो जाते हैं कि जाप में अगर कोई दूत भूत भी आए तो आप कम से कम सिक्योर रहेंगे, तो इसलिए कर लीजिएगा और बड़ा आसान है, इसलिए करने में कोई असुविधा नहीं होगी। जब जाप हम शुरू करेंगे तो दो तीन विषय है कि अगर दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा करते हैं तो बहुत उत्तम होगा रात्रि में, ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्थ की तरफ देख के जहाँ पे महादेव बैठे हैं उस तरफ देख के भी आप पूजा कर सकते हैं, जो सात्विक पूजा कर रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ देख के ही पूजा करें, वो दक्षिण की तरफ देख के पूजा ना करें, ठीक है। रुद्राक्ष की माला में जाप करें, ये सर्वोत्तम होता है, काला हकीक मैं नहीं बोलूंगा, इस साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, काला कमल का आसन रखें, अगर काला नहीं है तो कोई भी कमल का आसन चलेगा, काला वस्त्र भैरव जी को प्रिय है तो काला वस्त्र चलेगा, नवेद में जो है जो यंत्र पे चढ़ा है वही नवेद है, अलग से नवेद नहीं लगेगा, और दूसरे दिन पूरे नवेद को आप जो है विसर्जित कर देंगे, काले स्वान को खिला देंगे और जो यंत्र है उसको अपने पास रख लेंगे हमेशा के लिए, चाहे उसको आप हाथ में पहन लें, गला में पहन लें या घर पे लटका दे कहीं, ठीक है। कारण प्रसाद जो देवता को चढ़ेगा, दोनों सात्विक और तांत्रिक दोनों में, जो सात्विक तरीके से कर रहे हैं वो कारण प्रसाद अगर नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वो गुड़ और पानी चढ़ाए,
लेकिन ये प्रिफरेबल नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आप केसर पानी चढ़ा दें, और जो कारण चढ़ा सकते हैं वो कारण चढ़ाएं, अपने वाम भाग में भैरव को कारण चढ़ाना चाहिए, अपने वाम भाग में, ठीक है। उसका उस कारण को प्रसाद के रूप में ले लें। जो सात्विक विधान से कर रहे हैं वो क्योंकि कारण प्रसाद नहीं ले सकते हैं, तो उनके पास दो उपाय, चाहे तो कारण चढ़ा के कारण को अपने जहां पे चोटी होती है वहां लगा ले, या फिर जाप करने से ठीक पहले एक अदरक का टुकड़ा मुंह में रख ले, तो वो भी जो है कारण के बराबर का माना जाता है। तो एक बार जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद इसकी पूर्ण आहुति आपको नहीं करनी है। जब आप जाप शुरू करेंगे तो किसी संकल्प के लिए करेंगे कि हे काल भैरव, मैं मोहिनी प्रयोग के लिए इस जाप का अनुष्ठान कर रहा हूँ, या फिर आकर्षण प्रयोग के लिए कर रहा हूँ, शत्रु नाश के लिए कर रहा हूँ, किसी के स्तंभन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस भी कार्य के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से जो है इसका हवन होगा। अगर बिल्कुल भक्ति भाव से आप साधना कर रहे हैं तो जो 16 तारीख की रात्रि होगी, मध्य रात्रि के बाद आप हवन कर सकते हैं गूगल लौंग, गुलाब का जो है पंखुड़ी, इन तीनों चीजों को मिला करके, ठीक है। जो तांत्रिक भाव से करेंगे वो जाप पूरा होने के बाद बकरे के कलेजे पे एक गूगल रख करके उसके बाद धूप दिखाएंगे उस यंत्र को, तभी पूजा उनकी पूर्ण मानी जाएगी। और जो सात्विक भाव से करेंगे वो सिर्फ गूगल दिखाएंगे, ठीक है। तो जब पूजा समाप्त हो गया, जिनका कोई मतलब सिर्फ उद्देश्य भक्ति है, वो तुरंत हवन कर लें, ठीक है। 9 लकड़ी पर गूगल, गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ, ठीक है, और लौंग को डालेंगे। जो किसी के स्तंभन के लिए या किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं वो क्या करेंगे, रविवार को, अगले रविवार को जिनको स्तंभन करना है वो इसी मंत्र से, जो भी तीनों में सिद्ध गया है, रविवार को सुबह सुबह श्मशान चले जाएंगे, ठीक है। फिर 10,000 की संख्या में जिस मंत्र को सिद्ध किया उसका जाप करेंगे, फिर घर आ जाएंगे, फिर रात्रि काल में फिर श्मशान जाएंगे, उसके बाद जायफल, जावित्री और कनेर को बराबर मिला करके घी में डालेंगे, और उसके बाद दशांश हवन करेंगे, ठीक है। तो 1,000 हवन करेंगे तो किसी का भी स्तंभन हो जाएगा। जो मोहिनी प्रयोग करना चाहते हैं वो सोमवार को मध्याह्न में, ठीक है, कुएं के जल से पहले स्नान कर लें, ठीक है, फिर मंत्र का वहीं पे बैठ के 10,000 जाप करें, उसके बाद घी, भैंस का दूध जो है उसका दही बना करके, और फिर चीनी मिला करके दशांश हवन करें, ठीक है। हवन का जो भस्म होगा उससे तिलक करने से वो मोहिनी का, जग मोहिनी का आपको फल देता है, ठीक है। जिसको शत्रु नाश करना है वो अगले मंगलवार को करेगा। तो किसी भी चौराहे पे जाकर, चौराहे के बीच में बैठ करके मूल मंत्र का 10,000 जाप करेगा, ठीक है। फिर घी, गाय का घी, फिर खीर, खीर मतलब गुड़ वाला खीर, लाल चंदन और स्त्री का एक केश, किसी भी स्त्री का केश, घर की ना हो, उसको मिला करके वो जब दशांश हवन करेगा तो जिस भी शत्रु के नाम पर वो संकल्प करेगा उस शत्रु का विनाश हो जाएगा। आकर्षण करना है तो बुधवार को, आकर्षण प्रयोग में उसमें क्या करते हैं, चौथे पहर में, ठीक है, घर बिल्कुल खाली कर लेना है, अपने ही घर में 10,000 मंत्र का जाप करना है, फिर घी, चीनी और कनेर का पुष्प और बेल पत्ता जो होता है, बिल पत्र, इन सब को मिला करके आपको दशांश हवन करना है, तो फिर आपको ये शक्ति प्राप्त होती है। और अंतिम क्या है, अंतिम है वशीकरण का। वशीकरण के लिए अमावस्या तक आपको इंतजार करना होगा, मतलब अमावस्या 6 दिन बाद है, ठीक है। इसमें जो लगने वाली वस्तुएं हैं ना वो मैं ऑनलाइन चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, तो जिनको करना होगा वो जाप करके और वो फोटो खींच के यंत्र का वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तो मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो इस काल भैरव अष्टमी का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, क्योंकि भैरव बाबा उस रात प्रत्यक्ष रहते हैं। जो साल भर साधना करने से आपको लाभ नहीं होगा वो इस रात्रि में साधना करने से आप लोगों को होगा। तो भैरव जी के शरण में चले जाइए, जो विधान बताया, जो मंत्र बताया उसको सिद्ध करें, भैरव बाबा कल्याण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको साधना का शुरुआती विधान जानना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है, मंत्र यंत्र तंत्र, वो मैं आपको सिखाता हूँ।
जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है, मेरा लिखा हुआ लेख पढ़ना है, वो www.aghortantra.se पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस काल भैरव जयंती आप सबों की साधना का जो जीवन है वो सफल हो, और भैरव महाराज आप लोगों पर विशेष कृपा करें, ऐसे राज्य वाली भैरव बाबा से मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।